किया जा रहा दुर्व्यवहार, समय पर नहीं दिया जा रहा नाश्ता व भोजन, मरीजों के साथ बच्चों का भी बुरा हाल। एनसीएल ने नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाए गए कोविड सेंटर में मरीजों से दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। यहां इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित लोगों की माने तो मरीजों को देखभाल में लगे नोडल अधिकारी द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इस बाबत नेहरू शताब्दी के कोविड सेंटर में भर्ती कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव शेखर सिंह ने वीडियो जारी कर बताया कि कल देर रात 2 बजे सेंटर से 5 मरीजों को निकाला जा रहा था, जिन्हें देर रात निकालने के कारण पूछने पर ड्यूटी पर लगे अधिकारी भड़क गए और यह सवाल प्रशासन से पूछने को कहा। इतना ही नहीं, बहस करने पर उन्होंने उन्हें धमकी भी दी और यही नहीं, उन्होंने कोरोना मरीजों को सुबह का नाश्ता भी नहीं कराया, जिस कारण वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ बच्चे भी भूख प्यास से तड़पते रहे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे सुबह का नाश्ता दिया गया है। प्रबंधन के इस तानाशाह रवैया पर रोष जताते हुए शेखर सिंह ने वीडियो जारी कर नेहरू चिकित्सालय के कोविड वार्ड का हाल बताया है, जिससे एनसीएल प्रबंधन में तमाम दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। एनसीएल नेहरू हॉस्पिटल में तानाशाही रवैये के अंतर्गत हमें और हमारे यहाँ इतने लोगों को रखा गया है और कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। सुबह से लेकर अभी तक पानी नाश्ता तक नहीं मिला है। 15 महीने का बच्चा भी हमारे इस कोविड सेंटर में एडमिट है, अभी तक वो बेचारा दूध भी नहीं पा पाया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट का रवैया जो है तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैया के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो नेगेटिव हो जा रहे हैं उनको भी इसी कोविड सेंटर में रख दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से, मीडिया के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके, कल रात को मैंने एक सवाल कर दिया, मैं कल रात में एक सवाल कर दिया कि अचानक 5 लोगों को आप लोग क्यों लेके जा रहे हैं। तो सवाल का जवाब में ये आता है कि एसपी और कलेक्टर से बात करो। हमने कहा कि आप यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर हैं, फिर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात पूछूंगा, हम क्यों कलेक्टर और एसपी से बात करूंगा। तो आपने बोला मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप हमको धमकी देते हैं कि मैं विधायक का आदमी हूं, मैं मरवा दूंगा। तो क्या मैं आम आदमी के जीने का अधिकार नहीं है? आम आदमी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं? अगर मैंने पूछ ही दिया तो क्या गलत कर दिया? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में ये दुर्व्यवहार हम लोग जैसे लोगों के साथ क्यों हो रहा है? एक तो हम कोविड पेशेंट है, पॉजिटिव आए हुए हैं, हमें अच्छे से रखना चाहिए था, मगर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छुआछूत की तरह अपनाया जा रहा है। मैं ये मीडिया के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, ये मेरा दर्द है जो बयां कर